कोशिश कर हर निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सर, लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल पर भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों में पानी दे, बंजर में भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग लगा दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। और समय इंसान को सफल नहीं करता, बल्कि समय का सही उपयोग करके इंसान सफल बनता है। फ्रेंड्स, तो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गई है सुबह, और सुबह के मेरे जो भी काम होते हैं वो हो चुके हैं। सब्जी बनाना, आटा गूंथना, जो भी है। आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हैं फ्रेंड्स, तो इस वजह से हस्बैंड जी के लिए नाश्ता की तैयारी हम कर चुके हैं। और मेरे हस्बैंड जी रेडी होकर आप लोगों को दिख रहा है कि बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका जो है एक टाइम है कि वो निकल जाते हैं उस टाइम तक, तो मुझे उस टाइम तक उनका करके देना पड़ता है नाश्ता, और वो नाश्ता करके जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस वजह से तो मैंने कहा चलो मेरे पास टाइम है, तो मैं अपना भी थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालते हैं और अपना डेली का करते हैं। और फ्रेंड्स, गर्मी एकदम चरम सीमा पे आ चुकी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी ये मेरा रूटीन है, तो इसको मुझे फॉलो करते रहना है फ्रेंड्स। और जिस चीज़ से हमें फ़ायदा हो वो चीज़ हमें करने में अच्छा ही लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो है मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज, गर्मी से सांसें एकदम चल रही हैं, मन नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी मुझे करना है तो मैं कर रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ें आप लोगों को इसलिए दिखाते हैं कि बहुत मेहनत से जो है हम अपना वेट कम किए हैं, तो हम चाहते हैं आप भी इस चीज़ का अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए। 32 बार का फॉलो करके आप अपने वेट को कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं विनेगर के बारे में बताऊँगी। विनेगर जो है आप वेट लॉस के लिए लेना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा मतलब है, आप हल्के गुनगुने पानी में जो है विनेगर पी सकते हैं, और 3 टाइम लेना चाहिए विनेगर, नाश्ता करने से पहले, खाना खाने से पहले, और रात को खाना खाने से पहले, लंच करने से पहले, 3 टाइम लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा फ्रेंड्स। और पहले शुरुआती दिनों में आप 5-5 ml इसको 3 टाइम लें, अगर ज़्यादा हेल्दी है तो फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएं, लेकिन क्योंकि ये नहीं पता ना कि आपको नुकसान क्या करेगा एप्पल साइडर विनेगर, तो इस वजह से शुरू में आप 5-6 ml लेना स्टार्ट करें, फिर आप 10 ml ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसको ना मतलब 1 महीने लेने के बाद जो है आपको लगे कि नहीं मेरे शरीर को जो है ये सूट कर रहा है, तो आप इसको पूरे दिन में 30 ml ले सकते हैं, 10-10 ml जो है आप विनेगर को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा विनेगर का पानी बन गया है और गर्म है, तो इस वजह से मैंने नहीं लिया अभी, और मैंने इस बीच में जो है पहले इनका टिफ़िन बना मतलब सॉरी नाश्ता इनको बना के पराठा दे दिया था, सब्ज़ी बनी हुई थी, और उसके बाद जो है मैंने अपना पानी गर्म किया, पानी गर्म है तो अभी पी लूँगी, तब तक कि मैंने इनका पपीता काट के रख दिया। और यहाँ पे देखिए स्प्राउट्स जो है, स्प्राउट्स जो है इनके लिए टिफ़िन में दे रही हूँ। और फ्रेंड्स, इसमें बस मैंने हल्का एक हरी मिर्च डाला है और थोड़ी सी प्याज डाली और आधा नींबू कट करके रख दिया, नींबू वहाँ निचोड़ लेंगे, क्योंकि नमक के साथ नींबू दो ना तो पानी छोड़ देता है, तो टिफ़िन में अच्छा नहीं है। और उसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पे पपाया कट करके। दोपहर में ये ना जो है लंच नहीं करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इनको इनका ना बहुत जल्दी वेट गेन होता है, तो इस वजह से एक टाइम का खाना ये छोड़ते हैं, तो इनसे रात का और सुबह का नहीं होता है, दोपहर का छोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे जिसकी बॉडी है, और हम लोग जो है सुबह का नाश्ता छोड़ते हैं, हमें घर में रहना है, तो यहाँ पे देखिए मैंने इनका टिफ़िन दे दिया, नाश्ता वगैरह हो गया, अब ये जाने के लिए तैयार हो रहे हैं फ्रेंड्स। और तब तक मुझे आज ना हेयर ऑयल करना था, तो ये भी कर लेंगे, और रात में नहीं करती हूँ ना, अब गर्मी बहुत ज़्यादा है और चिपचिपा करके ना फिर नींद नहीं आती है, तो अभी जो है लगा लूँगी, और 1 घंटे बाद जब नहाऊँगी तो जो है हेयर वॉश अपना अच्छे से कर लूँगी। और फ्रेंड्स, आज मुझे बाथरूम वगैरह क्लीन करना है, तो इस वजह से हेयर वॉश भी करना है। और फ्रेंड्स, ये भी है कि हस्बैंड लोग जाते हैं तो जाने के तुरंत बाद ना घर में झाड़ू लगाना चाहिए और ना ही नहाना चाहिए तुरंत औरतों को, हमारा मतलब मेरा ये ऐसा मानना है, हमारी तरफ ऐसे ही होता है, तो रीति रिवाज जो है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लगा लिया तेल। तो फ्रेंड्स, मैं अब जा रही हूँ नहाने, नहा के आ गई और मैंने कर लिया पूजा। पूजा जो है करने के बाद मन को जो सुकून शांति मिलता है वो ज़रूर मतलब अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, घर में एक शुद्धि सी आ जाती है। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने भाई और बच्चों के लिए पराठे, और मैं पराठा नहीं करूँगी, और सब्ज़ी जो है सुबह की बनी थी तो मैंने अपने भाई और बच्चों को दे दिया पराठे करने के लिए। और अपने लिए यहाँ पे कट कर रही हूँ वही पपाया और वाटरमेलन, ये पड़ा था तो मैंने कहा कि चलो जो भी रहता है मैं खा लेती हूँ, स्प्राउट्स वगैरह और फ्रूट वगैरह बहुत ज़्यादा स्किन के लिए अच्छे हैं, तो वेट लॉस में फ्रूट वगैरह ज़रूर लें, और ज़रूरी नहीं है कि महंगे ही फ्रूट वगैरह लें, जो भी सस्ते हैं वो खा सकते हैं।
और फ्रूट पूरा भर के लें, जो भी जितना सस्ता है। तरबूज वगैरह 20 रुपये किलो 30 रुपये मिलता है फ्रेंड्स, तो इस वजह से आप तरबूज खा लीजिए भरपेट कि आपको भूख ना लगे। तो यहाँ पे मैं जो है अपना ले ली हूँ जितना मुझे खाना है, और जब भूख लगे तो आप थोड़ा सा बनाना शेक या ऐसे कुछ भी बना के फ्रेंड्स खा सकते पी सकते हैं सॉरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं च्यू कर करके इसको खा लूँगी आराम से। और देखिए यहाँ पे देव को जो है मेरा भाई खिला रहा है, क्योंकि देव नहीं खाए हैं और वो लेके बैठा रहता है, जब तक उसको नाश्ता ना कराओ तब तक नहीं करता है। तो वो खिला रहा था और मैं यहाँ पे आराम से 32 बार चबा चबा के अपना ये कर लूँगी, अपना खा लूँगी। और फ्रूट्स वगैरह जो भी खाना है फ्रेंड्स आराम से ही खाना है फ्रेंड्स, तो इस वजह से आप एकदम से टाइम दे। तो मैं आराम से बैठ गई हूँ, घर के सारे काम ही हो गए हैं। हेलो फ्रेंड्स नमस्कार, अभी मैं रेडी हुई हूँ और फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के यहाँ, कुछ काम था तो बस 11:30 हो रहे हैं, मैं आधे घंटे में आ भी जाऊँगी तो मैं वही निकल रही हूँ। और यहाँ पे कपड़े वाले आएंगे तो कपड़ा रख दिया है, शाम तक दे देंगे। मेरा भाई घर पे ही है और दोनों बच्चे भी घर पे ही रहेंगे, बच्चे नहीं जा रहे हैं, एक यहाँ बैठा हुआ है और एक उधर बैठा हुआ है। तो दोनों बच्चे फ्रेंड्स घर पे ही रहेंगे, उनको लेके नहीं जा रही हूँ, बस मैं ही जा रही हूँ और कुछ काम है तो इसलिए आधे घंटे के लिए ही बस जा रही हूँ। और धूप बहुत तेज़ है फ्रेंड्स, गर्मी इतनी ज़्यादा भयंकर वाली हो रही है कि पूछिए मत, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसमें कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं मन कर रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। और आज मैंने बाथरूम वगैरह साफ़ किया फ्रेंड्स, तो पूरा बाल वाल धो, जिस दिन बाथरूम क्लीन करती हूँ उस दिन बाल वगैरह ज़रूर धोती हूँ, आज बाल वाल भी धोया है। सिंक वगैरह जिस दिन साफ़ करती हूँ, सिंक तो खैर 2 दिन पे ही हो जाता है लेकिन बाथरूम 3 दिन पे होता है क्लीन, तो क्लीन की हूँ। और उसके बाद आज सारा चीज़ धोई धाई सब की हूँ, नाश्ता पानी सारा काम हो गया, रेडी भी हो गए, घर के सारे काम हो चुके हैं। तो चलिए अब निकलते हैं अपनी फ्रेंड के घर और वहाँ पर फिर आप लोगों को मिलते हैं, वहाँ पर नहीं मिलते मतलब आके मिलते हैं, आके फिर मैं खाना बनाऊंगी। तो चलिए तब तक ये ले लेती हूँ, हेलमेट लगा लेते हैं, हेलमेट इधर ही है तो हेलमेट ले लेती हूँ। और धूप इतनी तेज़ है कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी जाना है तो जा रही हूँ। तो चलिए, तो फ्रेंड्स मैं वहाँ पर वहाँ से आई और मेरे फूफा जी आए हैं, फूफा जी के लड़के आए हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाई तो इसलिए मैंने वो नहीं किया। यहाँ पर मैंने बन गई पनीर की सब्ज़ी, इधर मेरे बन रहे हैं चावल और मैंने आटा भी गूंथ लिया। मैं रोटी बनाने जा रही हूँ क्योंकि इन लोगों को भूख लगी है फ्रेंड्स, फिर जो है आप लोगों से मिलते हैं रोटी बना के फ्रेंड्स। तो मैं आई, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कहीं जाने का मन नहीं कर रहा फ्रेंड्स। इधर मैंने सैलेड भी कट कर दिया है और जो है पनीर बन रहा था तो मैंने कोई और सब्ज़ी नहीं, फटाफट मुझे करना पड़ा, चाय पानी मैंने बना के दे दिया था, उसके बाद जो है खाना बनाई हूँ। तो चलिए इन लोगों को खिलाते हैं क्योंकि भूख लगी है इन लोगों को, इस वजह मैं भी नाश्ता फ्रूटी की थी फ्रेंड्स, इस वजह से जो है जल्दी जल्दी कर लेते। तो फ्रेंड्स सबको खाना खिला दिया और यहाँ पे मैंने लिया फ्रेंड्स, मैं अलग से सब्जी नहीं बनाती हूँ, जो बना रहता है वही यूज करती हूँ। और ये देखिए मैंने रोटी ले लिया और थोड़ा सा चावल भी मैं अपने लिए लूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि पनीर है तो चावल अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स पहले ठूस ठूस के एकदम से ज़्यादा ज़्यादा खाना खाते थे और वो कोई फ़ायदा नहीं फ्रेंड्स, मतलब शरीर में अपने ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें डालने का कोई फ़ायदा नहीं है मुझे ऐसे लगता है। और जितना ज़रूरत है उतना ही इसमें डाले तो शरीर भी अच्छे से चलता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो है 1 घंटा हो गया हम लोगों ने बैठ के बातें किया, अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे। और ग्रीन टी बनाने के बाद जो है मैं बैठ के आराम से यहाँ पे पीऊँगी ग्रीन टी। और देखिए बुआ जी के लड़का जो है वो सो रहा है, फूफा जी भी सो गए हैं और भाई मेरा जो है मूवी कोई देख रहा था और मैं भी बैठ के ही देख ही रही थी मूवी। और बच्चे भी दोनों हैं, मेरे बच्चे वैसे भी दोपहर में फ्रेंड्स सोते ही नहीं हैं तो वो भी हैं। और देवा का बहुत आजकल मतलब अच्छा लग रहा है, देवा को मामा है इसके। तो मैं बुआ जी के लड़के को कह रही थी कि जाओ अंदर कमरे में जाके सो जाओ, क्योंकि सोफे पे सोया था ना वो, तो उसको हम लोग बोल रहे थे। और यहाँ पे जो है मैं तब तक सिप कर करके अपना पी लेती हूँ ग्रीन टी। और खाना खाने के और लंच करने के और नाश्ता करने के बाद में ज़रूर आपको ग्रीन टी और पानी पीना ही है। और फूफा जी भी देखिए अभी जो है उठ के आए हैं और शाम मतलब
ये 3 बजे का टाइम था, इन लोगों को कहीं जाना था एक्चुअली में, लेकिन गए नहीं। फिर वो लोग मूवी वगैरह ही देखने लगे, तो फिर अब कल जाएंगे, वही बैठ के बातें हो रहा था। और फ्रेंड्स, पानी पीने का जो है ना, एकदम से इकट्ठे मत पिया करिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी जो है पिया करिए। और अभी तो गर्मी है, पानी पीने का ये बहुत ही अच्छा मतलब है समय। और फ्रेंड्स, कई लोगों का मतलब पानी पीने का तरीका गलत होता है, तो पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, हमेशा बैठ के ही पीना चाहिए फ्रेंड्स पानी। और खाना खाने के तुरंत या खाते समय बिल्कुल भी पानी ना पिए, और धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें छूट जाती हैं। जब इस पे लगो ना, तो सारी चीज़ें फ्रेंड्स छूट जाती हैं। और अभी देखिए, उसके बाद ग्रीन टी पीने के बाद जो है, थोड़ी देर के बाद अभी ये भी आ गए हैं, और मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय, और चाय के साथ मैंने यहाँ पे अपने चिप्स वगैरह तल लिए हैं। और देखिए, इधर बिस्किट और टोस्ट भी ले लिया, जिसको जो लेना है वो ले लेंगे। और फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा चाय मुझे भी पीने का मन कर रहा था, तो मैंने अपने लिए भी आधे कप चाय बनाया है कि मैं भी पीऊँगी इन लोगों के साथ थोड़ा सा, और मैं दो बिस्किट ले लूँगी साथ में। वाली है, और बच्चे आए अभी पार्क से, एकदम देखिए क्या हालत हुई है, पूरा गीला, और एसी चला लिया आके, मुँह हाथ धोते तुरंत बीमार हो जाओगे, अभी गर्मी से आए हो, वहाँ चल के बैठो ना, पूरा गीले गीले हो रखे। और ये भी गया था फ्रेंड्स पार्क, और मैंने उधर चाय वगैरह दे दिया है, अभी कपड़े उठाऊंगी, और ये पूरे गीले गीले हो रखे। चेंज करो ना, बर्फ करेगा, हाँ जाओ चेंज करो, चेंज करो दोनों लोग, बहुत गंदा गंदा सा, तुम्हारे तो गीला भी, उसका ज्यादा गीला है, देखो बदबू करेगा। और फ्रेंड्स, सच में आज गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, एकदम 16 पे एसी चल रहा है, फिर भी काम नहीं कर रहा है, इतना गर्मी हो गया है, बहुत ज्यादा। मैं किचन में चाय बना दी ना, पूरा पसीना पसीना हो रहा है, देखिए एकदम से ना पसीना पसीना सो रहा है। तो मैं भी जा रही हूँ चाय पीने के लिए, सबको चाय दे दिया है मैंने, तो पी लेते हैं चाय, फिर मिलते हैं। लीजिए, देख लीजिए, देख रहे हैं, हाँ कहीं बैठी है, क्या करवाना है? मालिश। हाँ, शोल्डर मसाज। क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। वो मैगी बना लेती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स है, ड्रामा कर रहा है, खिला दो, खा ले, वेस्ट हो रहा है, खिला दो। आ लेता हूँ। फ्रेंड्स, इनके कंधे में दर्द हो रहा है, इनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या है, समझ ही नहीं आता क्या होता है जी। कुछ तो है। सर्वाइकल में कंधे में दर्द होता है। टाइपिंग वगैरह कर देते हैं, जिस दिन ज़्यादा ना हो, दिन कंधे में दर्द होने लगता है, अभी हो रहा है कंधे में दर्द, मैं लगाऊंगी पे। और ये लड़का 1 घंटे से कॉर्नफ्लेक्स लिया है, और बसुका बसुका करके आ रहा है। सारे तुम खिला दो ना, फिर भैया खिला दो, भैया खिला दो, तुम सीधा बैठो, सीधा थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स इससे नहीं खाया जा रहा। अब पार्क में क्या क्या किए हो बता देना। फुटबॉल खेले और बस। तुम्हारे साइज के बच्चे थे, बड़े बच्चे थे?